क्वेश्चन है, आपके पास एक रिंग है और एक स्फेयर है और आपको इनके सेंटर्स की दूरी गिवन है √8r। तो √8r बस आपको सिंपली मास भी गिवन है, आपको इनके बीच में फोर्स निकालनी है। फोर्स क्या होगी? पहला दिमाग मन में ये आता है कि मैं फॉर्मूला लगा दूं, जी एम एम बाय √8r का स्क्वायर। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये भी ठीक ही है, गलत नहीं है? और कितनों को कम से कम ये पता लग गया कि ये फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला? लग रहा है आपको नहीं लगने वाला? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि क्योंकि नहीं, ले लो 2r कर लो, अब लगेगा पॉइंट मासेस के लिए लगता है भाई। जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर पॉइंट मास के लिए लगता है, और किसी के लगता कहाँ है? रिंग के लिए तो मना ही किया था, रिंग के लिए तो बिल्कुल भी मत लगाना। अगर मैं तुम्हें दो रिंग दूंगा, दो डिस्क दूंगा, बिल्कुल भी मत लगाना, आंसर आएगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं फॉर्मूला। हाँ, शेल के लिए लगता है, शेल और सॉलिड स्फीयर। शेल थ्योरम कहती है आप मास को सेंटर ऑफ मास में मान सकते हो। सिर्फ शेल और सॉलिड स्फीयर के बीच में अगर तुमने फोर्स निकालनी है तो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ चलेगा, तो मास को सेंटर ऑफ मास में मान लो और जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर लगा दो, चलेगा, और फिगर्स में नहीं चल सकता। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो रिंग और इस स्फेयर में आप फॉर्मूला मत लगाना, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, बात खत्म। दूसरा तरीका, फिर क्या करें? अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, और ये प्लस टू की आम प्रॉब्लम है, प्लस टू में बहुत आती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स। क्या कि आपको मैंने रिंग का ई निकालना सिखाया था। अगर एक रिंग है, अच्छा एक और चीज, अगर ये स्फेयर है, इस स्फेयर को स्फेयर रहने देते हैं, यहां पॉइंट मास ले लेते हैं एम, क्योंकि स्फेयर ये चीज अलाउ करता है। जो स्फेयर है उसका मास आप सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हैं, और हम मान सकते हैं कि स्फेयर का मास जो है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास सेंटर ऑफ मास पे डन हो गया। और तुम एक काम करो, इस रिंग के एक्सिस के ऊपर ई निकाल दो। तुम इस रिंग की वजह से इस एक्सिस पे ई निकाल लोगे, मान लो एक्स की वैल्यू √8r पे। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम रिंग का फॉर्मूला करवाया था, एक्सिस के ऊपर ई का फॉर्मूला था रिंग का। आपको कि उससे क्या होगा? उससे होगा ना, यहां पे जो ई होगा, ई जो रिंग लगाएगा, जो ई होगा वो पता है क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और यहां पर कितना मास पड़ा हुआ है? एम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? एम टाइम्स ई, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो अगर तुम इसके मास के ऊपर जो पड़ोस का मास ई लगा रहा है वो कैलकुलेट कर लो और तुम मास को ई से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास फोर्स आ जाएगी। तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या निकालना है? ई निकालना है। ई का फॉर्मूला लास्ट टाइम लिखवाया गया था, ये चेक कर लो अपनी बुकलेट। तो ये आर है, ये एक्स है, एक्स डिस्टेंस, एक्सिस के एक्स डिस्टेंस पे ई का ये फॉर्मूला चेक करो, जी मास ऑफ रिंग एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये ई का फॉर्मूला है, और फोर्स की वैल्यू यहां पर क्या लगेगी? स्फेयर पे, स्फेयर का मास क्या है? एम। उसके ऊपर ई क्या लग रहा है? ये रहा ई। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ गया, और एंड में एक्स की जगह √8r पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जो फोर्स फेयर एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगी? रिंग भी करेगी। तुम फेयर से निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाता है। मैंने इनसे ये क्वेश्चन पूछा था अभी, जब इसने पूछा मैंने ऐसे किया, मैंने कहा ठीक किया, सही किया इसने, यही किया इसने। तो मैंने इसे क्वेश्चन पूछा, सोचो इसका आंसर क्या देंगे, कि तुमने उल्टा भी तो कर सकते हो, एक ही बात है। क्या ये एक बात है? ये स्फेयर है और ये रिंग है। तुम एक काम करो, रिंग का मास यहां पे ले लो और तुम स्फेयर की वजह से ई निकाल दो, और फिर तुम फोर्स निकाल दो एम इंटू ई। क्या ये चलेगा? हाँ या ना? क्यों ना? जब वहां चल रहा है यहां क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि रिंग का आप मास सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करके फोर्स नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ एक ही फिगर अलाउ करती है और उसका नाम क्या है? स्फेयर या शेल, बस। तो तुम रिंग को सेंटर ऑफ मास से सॉल्व नहीं करना, इसीलिए ये रिंग का ई निकाल के उसके सेंटर ऑफ मास पे मास रख के स्फेयर के ऊपर तो ये रूल चलेगा, रिंग के ऊपर नहीं चलेगा, मत लगाना। पॉइंट समझ में आ रहा है? लॉजिक क्या है? ठीक है यहां तक? तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब करने देखो, ये आपके असाइनमेंट है, करनी आपने है। मैं सिर्फ आज सिर्फ मेथड डिस्कस करने वाला हूं, आपने घर पे सारी असाइनमेंट करनी है, जितनी भी है, ये PYQ की जितने भी क्वेश्चन है A to Z सारे फिर से करने हैं। अभी उन क्वेश्चन का सिर्फ ट्रिक सीखो जो नए नए तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन ट्राई किया किसी ने? वैसे नहीं किया।
हो गया। क्वेश्चन है मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी, गैलेक्सी है, बहुत सारे स्टार्स हैं यार, भरे पड़े हैं, मतलब गैलेक्सी भी छोटी मोटी बात ही नहीं करनी ना, तो गैलेक्सी की बातें करेंगे। ये देखो ये रही गैलेक्सी, ये रही, ये गैलेक्सी है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, सोचो ये सॉलिड स्फीयर की तरह, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ऐसा एक गैलेक्सी है, और इसके अंदर जो डेंसिटी है वो के बाय आर के साथ वेरी कर रही है। गैलेक्सी कितनी बड़ी वो मुझे भी नहीं पता, गैलेक्सी चलती जा रही है, स्मॉल आर वेरिएबल है, और स्मॉल आर आगे आगे जितना मर्जी इंक्रीज करते जाओ एंड में इनफाइनाइट हो जाएगा, डेंसिटी जीरो हो जाएगी, पर यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पर जो डेंसिटी है वो कितनी है, के बाय आर। तो यानी कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, मास ज़्यादा कम 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 होता जा रहा है, सही है। तो डेंसिटी यानी कि चेंज हो रही है। आगे इन दैट रीजन अ स्मॉल स्टार इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इसी रीजन में एक स्टार है जो कैपिटल आर रेडियस में घूम रहा है, गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है, गैलेक्सी तो बहुत ही बड़ी है, बड़ी है, स्टार कैपिटल आर रेडियस में घूम रहा है, और इसका जो टाइम पीरियड घूमने का क्या है, टी। तो आपको ये बताना है टी और कैपिटल आर कैसे रिलेटेड है, कितने लोगों के माइंड में सच में आता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब केपलर लॉ, ईजी है, सही है, गलत नहीं है। पहले एक पॉइंट को ये समझ लें, हाँ यही बात बताने जा रहा हूँ, बहुत लोग जो आप ये लगाओ कि बस बेसिक बेसिक पढ़ के चले गए, फॉर्मूले याद करके चले गए, कॉम्पिटिशन उतर गए, वो तुम्हें फंसा लेंगे। देखो बच्चा घर जाके क्या कहेगा, आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया आज, क्यों जी मेरे को आता था, मैंने किया ये कैपलर लॉ है, भाई कैपलर लॉ नहीं चलेगा इसमें, कैपलर लॉ तब चलता है जब डेंसिटी यूनिफॉर्म है, सन के आसपास अर्थ घूम रही है, कैपिटल लॉ लगाओ ना, मैं सन की डेंसिटी चेंज कर रहा हूँ ना मैं अर्थ की चेंज कर रहा हूँ ना मैं बीच की चेंज कर रहा हूँ, यहाँ तो प्रॉब्लम है पूरी गैलेक्सी की डेंसिटी चेंज हो जा रही है, आप कैपिटल लॉ मत लगा देना। पॉइंट समझ में आ रहा है, कैपिटल लॉ में डेंसिटी यूनिफॉर्म थी इसलिए हमने मास को मास रखा था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पुट ही नहीं किया पूरे प्रूफ के अंदर, आपने चेक किया हो कैपिलर का थर्ड लॉ का प्रूफ याद है ना, कुछ कैसे करते थे टाइम पीरियड, सर हम प्रूफ की बात कर रहे हैं, हम आइडल अभी अर्थ के ऊपर नमेरिकल नहीं कर सकते, ठीक, ये ऐसे तो भी यार वो सर्कल में भी नहीं घूमती है आर रेडियस में, तो एक मोटे मोटे तौर पे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तब लगता है जब डेंसिटी कांस्टेंट है, उसका कोई झमेला है नहीं। इसने क्या किया, डेंसिटी चेंज कर दी, मत लगाना, अगर डेंसिटी चेंज करेगी, तीन चार बार क्वेश्चन आया हुआ है, मत लगाना, कैपलर लॉ बिल्कुल ना लगाना, कैपलर लॉ का फिर से प्रूफ कर लेना, कैपलर लॉ के प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, और टाइम पीरियड होता क्या है, यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर, इस स्टार का 2 पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय इसकी वेलोसिटी, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी अगर आप निकाल दो पुट करके आंसर आ जाएगा। तो निकालने वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो वेलोसिटी निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, पहले एक पॉइंट को जरा समझ लो, इसके अंदर ट्रिक क्या है, जब आपको ये गैलेक्सी गिवन है ना, आपको तो ये गैलेक्सी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास गिवन ही है कुछ इस तरीके से, तो जब ये गैलेक्सी आपको ये पूरी तरह इस तरीके से गिवन है, ये रही गैलेक्सी, ठीक है, ये गैलेक्सी गिवन है, और मैं कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक स्टार को घुमा रहा हूँ, और मैंने बताया आपको कि जो मेरा टाइम पीरियड है वो 2 पाई कैपिटल आर को मैं वेलोसिटी से डिवाइड करके टाइम पीरियड निकाल लूँगा। अब वेलोसिटी कैसे निकाल लूँगा, इसको क्या चाहिए, सेंट्रिपेटल फोर्स, कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये स्टार है जिसका मास स्मॉल m है तो ये कितनी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, g स्टार का मास इनटू इनटू किसका मास, पूरी गैलेक्सी का तो मास ही नहीं पता, सेंटर ऑफ मास गैलेक्सी शेप नहीं पता मुझे, तो मैं मास क्या लूँ, बस बता दो मुझे, मैं किसका फोटो में किसका मास लूँ, ये लाल रंग का मास लूँ, काले रंग का लूँ, किसका लूँ, लाल रंग के अंदर अंदर लूँ, ऑब्वियसली यार अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो सिर्फ अंदर का मास ही मुझे खींच पाएगा, बाहर का मास खींच नहीं पाएगा। हमने अर्थ की डेप्थ के अंदर भी तो ये काम किया था, जब हम अर्थ की डेप्थ में चले जाते हैं तो बाहर का मास जो है हमें नहीं खींच पाता, सिर्फ अंदर अंदर जहाँ जा चुके हैं वही खींच पाता है, ऐसा ही है। तो ये मास लेना है, तो इस मास की वैल्यू निकाल लें कैपिटल एम, इस मास की वैल्यू होगी डेंसिटी, बोलो डेंसिटी क्या पुट करें, के बाय कौन सा आर, छोटा की बड़ा,
क्या गिवन है? एंड तक बड़ा आर छोटा आर, क्या ले यार क्वेश्चन में तो ये गिवन है, छोटा आर की बड़ा आर। अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, बड़ा आर भाई, स्मॉल आर तो पता नहीं कहां कहां के लिए यूज हो रहा है, इट्स अ वेरिएबल, तो ये तो बेसिकली वेरिएबल है, पर मैं तो अपना क्वेश्चन फिक्स कर चुका हूं, मेरे को तो कैपिटल आर डिस्टेंस भी करना है, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा? कैपिटल आर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैं जहां पर खड़ा हूं बस मैंने वहीं की डेंसिटी लेके वहीं के मास में मैं इंटरेस्टेड हूं, बाहर के मास में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो बाहर के मास में इंटरेस्टेड नहीं हूं, सिर्फ ये मास में इंटरेस्टेड हूं, तो यानी कि कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, तो जी एम मास की जगह के बाय कैपिटल के बाय कैपिटल आर इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये आर स्क्वायर और ये आर कैंसल, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, कॉन्स्टेंट को छोड़ो, वी जो है वो कैपिटल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद अंडर रूट। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर, छोड़ो कांस्टेंट को, तो आर डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ आर, तो यहां से मेरे पास क्या टर्म आएगी? रूट आर, ये टर्म आएगी, और मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या आएगा? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा ऑप्शन है इसमें, बस ये आंसर आ गया फिर, तो समझ में आ रहा है ये रूल क्या करना है इसमें, बेसिक लॉजिक क्या है इसका, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये बेसिक लॉजिक है, अब कुछ नहीं करना उसने, आपके एग्जाम के अंदर वो हर चौथे क्वेश्चन में डेंसिटी चेंज करता रहेगा बैठ के, तुम यही लॉजिक लगाते जाना, तुम्हारा आंसर गलती नहीं हो सकता, बात ही खत्म है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, तो बेसिकली ये स्टार घूम रहे, इस पर क्या फोर्स लग रही है? ये फोर्स लग रही है, इसका इस पोर्शन का मास क्या होगा? इस पोर्शन की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये जो फोर्स होगी वो एम वी स्क्वायर बाई आर होगी, यहां से वी की आर का रिलेशन निकाल के यहां पुट करके आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन आपने फिर से करने हैं, ये मैं सोचना कि हो गए, घर जाके इस शीट में से दोबारा अपने कॉपी पे पूरा ट्राई करना है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ए ऑप्शन है, करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो जाते हुए करूंगा। देखो पहले पॉइंट को समझो, सबसे पहले मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट आर के साथ चेंज हो रही है, फिर से वो डेंसिटी पे खेल रहा है, वो कह रहा है जी मैं फिर प्लैनेट ऐसा लूंगा जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, जिसकी डेंसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसे चेंज हो रही है, सही है। कैपिटल आर उस प्लैनेट का रेडियस है और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डेंसिटी चेंज होती जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा ये बताएं। अब मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं प्लैनेट के सरफेस के ऊपर हूं, ठीक है, ऊपर हूं, और अगर मैं दूर जाना स्टार्ट हो जाऊं तो मेरी ई की वैल्यू घटती है, पक्की बात है, मैं जितना दूर जाऊंगा प्लैनेट से ई की वैल्यू पक्का घटेगी। मेरे माइंड में आया इसका मतलब कि अगर मैं सेंटर की तरफ आऊं, अर्थ के अंदर जाऊं या प्लैनेट के अंदर जाऊं तो शायद मेरा ई बढ़ सकता है, पर मुझे पता नहीं लग रहा कि ई मैक्स कहां पर है। राइट, क्लियर है? तो एक बात तो पक्की हो गई कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अर्थ या प्लैनेट के अंदर सॉल्व होने वाला है, बाहर नहीं होने वाला, क्योंकि बाहर जाने पे तो 100% है कि आपकी ई की वैल्यू कम होनी ही होनी है, वो तो जीरो भी हो जाएगी बहुत दूर जाके। ठीक है यहां तक? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा बाद की बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा कितना पहले ये तो निकाल लें,
ग्रेविटेशनल फील्ड होगा कितना, इसके लिए आप इमेजिन करें ये आपका एक प्लैनेट है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए तुम अभी छोटे आर डिस्टेंस पे हो, यहां पे हो, मान लेते हैं तुम छोटे आर डिस्टेंस पे हो, सही है। अगर मैं ये पूछूं कि इस प्लैनेट के अंदर छोटे आर डिस्टेंस पे क्या आप मुझे ई निकाल के दे सकते हैं, यहां पे ई की वैल्यू मुझे चाहिए, ई की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो मुझे यहां पे ई की वैल्यू चाहिए क्या होगी, पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब देखो अगर मुझे यहां पे ई निकालना है तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, जी मास क्या लूं, अंदर का जो काले रंग का स्फेयर है उसके अंदर जितना भी मास आएगा वो लेना पड़ेगा मुझे, तो क्या आएगा, जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर क्या लूं, छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े आर पे थोड़े ना, बड़ा आर तो टोटल प्लैनेट है और मैं तो अंदर जाके काम कर रहा हूं, और अगर अंदर जाके काम कर रहा हूं तो मुझे छोटा आर लेना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूं मास क्या लूं, अब यहां पे मास भी तो निकालना पड़ेगा, तो ठीक है मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं इसका मास निकाल लेते हैं। अब इसका मास क्या होगा मुझे बताओ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो कर दूं पर डेंसिटी तो खुद वेरिएबल है, इसमें काम करना पड़ेगा, क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। इसका कोई इलाज नहीं है, आप इमेजिन करो एक मिनट के लिए मैं आपसे इस काले रंग का जो ये जो फेयर है इसका मास निकालने को बोल रहा हूं, तो ये इसके अंदर यहां का मास अलग है ना, इस पोर्शन का मास अलग है, अगले पोर्शन का मास अलग है, अगले पोर्शन का मास अलग है, अगले पोर्शन का मास अलग है, पर मेरे को टोटल मास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये सॉलिड स्फीयर किसका बना हुआ है, शेल से, मैं एक शेल का छोटा मास निकाल लूंगा, फिर सभी शेल्स को मिला के इसका बड़ा मास आ जाएगा। ये जो शेल है मान लेते हैं स्मॉल आर रेडियस का है, इसका वॉल्यूम क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, याद है इसकी थिकनेस डी आर ले लो, जब जब हमने सॉलिड स्फीयर लिया था रोटेशनल मोशन के अंदर ऐसे किया था, हमने पहले शेल लिया था, शेल का वॉल्यूम लिया था एरिया इंटू थिकनेस करके 4, क्योंकि कभी भी शेल लेना है उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम का फॉर्मूला तब याद ही हो चुका होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल मास, कर नहीं सकते ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस टोटल मास निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ी, मास चेंज हो रहा है ना भाई, अंदर शेल का अलग, फिर डेंसिटी, फिर चेंज, फिर मास अलग, फिर मास अलग, फिर कैसे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट कैसे करूंगा, डीएम की वैल्यू रो, रो का मतलब क्या है, रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर से, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक। और इसे इंटीग्रेशन की लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से m, और यहां पे क्या पुट करेंगे, 0 से स्मॉल r, क्योंकि हम इंटरेस्टेड किस में है, स्मॉल r में, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो यहां से देखो प्लीज, यहां से देखने की जरूरत नहीं है, इधर देखो, ये आपके पास डेंसिटी है, मास क्या है, डेंसिटी इंटू शेल का वॉल्यूम, 0 से स्मॉल r करेंगे तो ये टर्म आएगी, इंटीग्रेशन तो आपने करनी है, की नहीं हुई मतलब, तो सीधा फॉर्मूला लिख दिया तुमने, तो रो को यहां पुट करना है और फिर इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास ये टर्म आएगी, तो यहां से इंटीग्रेट करके मास आएगा, उस मास को तुम यहां पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये टर्म आएगी, मतलब तुम डेंसिटी को ये पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ये टर्म आएगी, उसको यहां पुट करोगे कैपिटल जी भी है, तो ये आपके पास ई का फॉर्मूला आएगा, ये बनेगा ई उस प्लैनेट के अंदर जाके। अब क्वेश्चन यहां भी खत्म नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये भी खत्म नहीं हुआ, मैथ में मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक करवाएंगे, तो मैथ के लिए हमने भी किया हुआ है, वो चाह रहा है कि मेरे को तो स्मॉल आर बताओ जब ई मैक्सिमम हो, तो तुम्हें इसका मैक्सिमा मिनिमा करना पड़ेगा, किसी भी चीज को जो मैक्सिमम करना है उसको डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, तो तुम इसे डी आर के साथ इक्वल टू जीरो करोगे और फिर अपना आंसर मार्क करोगे, आंसर आ गया, ये होमवर्क लिख लेना, ऐसा सोचना है, ऐसा करना है, या आपको ऐसे ट्राई करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। इसके अंदर कम से कम PYQ में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन कम से कम, जो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज करके किए जा रहे हैं,
वो जी इज इक्वल टू डेप्थ में जाते हैं तो जी इंटू वन माइनस एक्स बाई आर, हाइट में जाते हैं तो माइनस टू एच बाई आर, हाइट में जाते हैं तो दूसरा फॉर्मूला। मैं चाहूँ तो 25 के 25 क्वेश्चन आपको करवा दूँगा, खुश हो जाओगे, कमाल आया, पी वाई के हो गया, अब हम सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपका सिर्फ टाइम खराब करूँगा। हाँ, फिजिक्स आपको अच्छी लगेगी, आसान भी लगेगी, लेकिन जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, आपसे ये होगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा। उनसे नहीं होगा, वो तो आप फिर भी कर लेंगे, इनसे हो जाएगा। तो मैं उस क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डाउट की फॉर्म में या एक नया कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। बाकी जब आप सॉल्व करेंगे फिर भी डाउट आया, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ क्लास के आगे पीछे सुबह शाम, जब मर्जी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ बैठ के सॉल्व करूँगा। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि 200 क्वेश्चन तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा यार, और अगर 200 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिए और आप नहीं कर पाए तो आपकी 100% सिलेक्शन नहीं होने वाली। ऑब्वियसली यार, जब मैं ही काम करे जाऊँगा तो तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो हिंट मोर देन सफिशियंट है पढ़ाने वाले को। लो, क्या आंसर बोलते हो इसका? कितना बी लग रहा है तुम्हें? ओके, क्या तुमने ये ग्राफ देखा है? मेरे को लग रहा है मैंने पिछली क्लास में करवाया है। सॉलिड शेल थ्योरम, सॉलिड शेल के अंदर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा ही तो ग्राफ बनता था। और ये दो दो ग्राफ हैं क्योंकि स्फेयर दो दो हैं, दो दो स्फेयर हैं, एक का रेडियस कितना है? एक, एक का रेडियस है दो। आपको क्या निकालना है? आपको मास की रेशियो निकालनी है इस डायग्राम को देखते हुए। मुझे ये बताओ, जब ये ग्राफ बनता था तो ये ग्राफ ऐसा नहीं बनता था जैसे ये ई है, ये स्मॉल आर है, चेक करो, मैंने ऐसे बनाया था, और ये जो पॉइंट होता था ये क्या होता था? आर इज इक्वल टू कैपिटल आर सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर ई हमेशा क्या आता था स्फीयर में? मैक्सिमम, ऐसे ही था। तो अगर मैं इस ग्राफ को रीड करने को कहूँ और बोलूँ कि फर्स्ट ग्राफ का मैक्सिमम ई सरफेस के ऊपर ई कितना है, इस ग्राफ का सरफेस के ऊपर ई 2 है और इस ग्राफ का सरफेस के ऊपर ई कितना है? 3 है। अब ये बताओ कि एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर ई का फॉर्मूला होता क्या है? जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही होता है। तो आप इसमें ऐसा क्यों नहीं करते? फर्स्ट स्फीयर के लिए 2 इज जी एम 1 बाय आर स्क्वायर, आर इसमें 1 है, और सेकंड के लिए 3 है जी एम 2 बाय 2 स्क्वायर, आर इसका 2 है, डिवाइड कर लो आंसर, मास की रेशियो आ गई। तो कैसे ग्राफ रीड करना है समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपने पीक वैल्यू ले लेनी है, उस मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर से आपके पास आंसर आएगा। कोई डाउट है इसमें? ये तो ठीक है, फिर भी ठीक है, ये भी ठीक है सारा, ये भी ठीक है। बात मानो, आप देखो तो कौन से क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसका क्या करोगे करा के मुझसे? ठीक, लो फिर से डेंसिटी, नेक्स्ट।
इसका आंसर क्या है? सेम क्वेश्चन है जो आज किया था, उसके अंदर बस फर्क यह है कि हमारा क्वेश्चन के बाय आर था, इस क्वेश्चन में के बाय आर स्क्वायर है। करना जरा, केपलर लॉ वाला सेम प्रॉब्लम बताया था, टी इज इक्वल टू टू पाई आर बाई वी, तो इसके अंदर रेडियस आर है क्योंकि आर रेडियस में प्लैनेट घूम रहा है, बाई वी है ना, तो इस तरीके से सिखाया था। और फिर मैंने वी निकालना सिखाया था, जी एम एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर, जी फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी कितना है, के बाय आर स्क्वायर हो जाएगी डेंसिटी, बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। एक बार चेक करना, मेरे ख्याल से सारे आर कट गए, सारे आर कट गए इसमें, तो सारे आर कट गए, तो ये तो टाइम पीरियड आर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो टी, लेकिन टाइम पीरियड के अंदर भी एक आर है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज द आंसर। टाइम पीरियड का आर उठा लेगा वो, वी के साथ तो आर का रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप की प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन रॉड वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था हमने, रॉड वाला देखना, से जो टाइम, जब आप टाइम पीरियड की प्रॉब्लम करते हो, मैंने एक बार पहले बताया भी था ये बात कि एम वी स्क्वायर बाई आर से आप वी निकालते हो, फिर टाइम पीरियड टू पाई आर बाई वी करते हो, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा लिया करो, ओमेगा से डायरेक्ट टू पाई बाई टी सीधा जाएगा, एक स्टेप बचता है हमारा, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन को हमने किया भी था ऐसा क्वेश्चन, स्ट्रेट रॉड है, ये लो ये एक स्ट्रेट रॉड है और ये कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए है और ये एक्स इज इक्वल टू लेंथ इसकी एल है, ये एल प्लस ए है। वो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पॉइंट मास है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, चलो लेफ्ट पे चलते हैं, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट मास पड़ा हुआ है एम। आपको इस रॉड और पॉइंट मास में फोर्स निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था। फर्क ये है कि इसके अंदर रॉड की जो डेंसिटी है कौन सी, मास अपॉन लेंथ, मास बाय डेंसिटी बाय लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ लैम्डा, ये लैम्डा गिवन है, कोई बात नहीं। रॉड के किसी भी प्रॉब्लम को एक तरीके से करना है, ये डीएम है और इस एलिमेंट की दूरी आपने कितनी ली यहाँ से, एक्स ली। ऐसे करते हैं, एक डीएम लेते हैं, एक डीएक्स लेते हैं, डीएम है, डीएक्स है और एक्स दूरी पे है, तो ये डीएम और एम के बीच में स्मॉल फोर्स क्या आएगी, जी इंटू पॉइंट मास इंटू डीएम डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, जी एम इंटू डीएम बाय एक्स का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, डीएम की वैल्यू इसमें क्या होगी, डीएम की वैल्यू इसमें होगी लैम्डा इंटू डीएक्स, क्योंकि स्मॉल लेंथ डीएक्स है, लैम्डा इज मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ इज स्मॉल मास। तुम इस लैम्डा की पूरी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा डीएफ का, जी एम एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स
ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर आप इसे इंटीग्रेट कर देना जीरो से एफ तक और यहां पर ए से लेके एल प्लस ए तक। अब आप इंटीग्रेट करके इसका आंसर घर पर आराम से बैठ के निकाल लेना। रुको, ये देखो, ये देखो, ये स्मॉल फोर्स है, म्यू ले लिया, लैम्डा म्यू एक ही बात है, चलो ये टर्म आ गई। आप इसको सॉल्व कर लो, इसको ब्रेक कर लो ना, ए बाय एक्स स्क्वायर और प्लस बी, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस वन होगी, तो वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स में एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट तो माइनस करना पड़ेगा। मैंने नहीं करके देखी है, तो आपको करके देखनी पड़ेगी, आ जाए वो तो सिंप्लीफाई करके कुछ तो निकालना ही पड़ेगा आपको, मतलब यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है ना, उसके बाद आप सॉल्व करना इसको, इसको मत देखना शॉर्टकट लगाया इसने, आप अपने इंटीग्रेशन खुद करना, मेरा काम है ऊपर का फंक्शन बना के देना कि पहला स्टेप क्या होगा। तो आइडिया क्लियर है, रॉड की प्रॉब्लम कैसे आती है, लास्ट टाइम की भी थी वैसे हमने, ये ईजी है, ये सब ठीक है क्वेश्चन, एक्सेप्ट ये, या 23वां क्वेश्चन बिल्कुल एंड में करना, जब पूरा ग्रेविटेशन खत्म हो जाए तो 23वां कर लेना। वैसे मैं करा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, मैंने बुकलेट में किया भी हुआ आसान तरीके से, बट ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आज तक का आया हुआ क्वेश्चन है। बस 23वां एंड में करेंगे इसको, नहीं अभी देखेंगे, स्पीड ब्रेक कर देगा हमारी ये, और तुम क्वेश्चन नंबर करो ये वाला 25वां। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये है, अ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल गैलेक्सी इज मेड ऑफ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास एंड हैज अ रेडियस ऑफ आर। एक बहुत ही बड़ी सिलेंड्रिकल गैलेक्सी है, बहुत बड़ी का मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी, इनफाइनाइट, और नहीं सिलेंडर ज़ूम करेंगे, रॉड थिन होती है, ये थिक है, इसका रेडियस भी है, कुछ तो रेडियस है इसका, तो ये बहुत ही लंबी है, हाँ लाइन मान सकते हैं, अब मान सकते हैं कैपिटल आर नेग्लेक्टेड है, वैसे इसमें चाहिए नहीं होता हमें कैपिटल आर। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि इसके आसपास एक स्टार ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है, टाइम पीरियड ऑफ स्टार और आर का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा है, ये सिलेंड्रिकल गैलेक्सी है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर स्टार घूम रहे, आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए, एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। क्यों चाहिए फॉर्मूला मैं बताता हूं, गैलेक्सी अगर स्फेयर होती और स्टार घूम रहा होता स्फेयर में, फिर तो नॉर्मल न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ एप्लीकेबल है, पर अब कैसे एप्लीकेबल है, क्योंकि तुम्हें फिगर ए क्या गिवन है, सिलेंडर, और सिलेंडर और पॉइंट मास घूम रहे आसपास, इसके बीच में तुम्हें फोर्स ही पता नहीं क्या है। स्फेयर और मास में तो सही है, काम चल रहा था, लेकिन शेप चेंज हो गई ना, और जब शेप चेंज हो गई सिलेंडर का फोर्स तो हमें निकालने आता ही नहीं है। तो आपको एक फॉर्मूला नोट करना है, और वो फॉर्मूला ये है कि गिवन अ सिलेंडर, अगर आपको एक सिलेंडर गिवन है बहुत ही पतला, थिन लाइन, लाइन की तरह बहुत पतला, इनफाइनाइट लंबा, इनफाइनाइट लंबा, बहुत ही लंबा, और आप या सिलेंडर या लाइन गिवन है, गैलेक्सी मतलब बहुत ही लंबी गिवन है, और आप स्मॉल आर डिस्टेंस दूर यहाँ ई निकालना चाहते हो, ई का फॉर्मूला फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, E का फॉर्मूला 2g लैम्डा बाय r, वेयर लैम्डा इज
मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रॉड, ये जो भी आपकी फिगर होगी इसका लैम्डा आपको गिवन होगा। प्लस टू में इसका ये बिल्कुल प्रूफ है, CBSE गॉस थ्योरम करके एक टॉपिक है, ये आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है प्लस टू में, तो हम अभी प्रूफ नहीं करेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ानी पड़ती है, हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, हम ई का फॉर्मूला याद करेंगे। तो ई का फॉर्मूला याद करेंगे 2g लैम्डा बाय स्मॉल r। तो अब हमें पॉइंट मास की वजह से ई आता है, अब हमें शेल का ई आता है, हमें सॉलिड स्फीयर का ई आता है, शेल थ्योरम की थी, हमें रिंग का ई आता है, हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, अब एक और ई आता है हमें, और वो क्या है, इस गैलेक्सी का या सिलेंड्रिकल बॉडी का जिसका रेडियस नेग्लिजिबल है और लेंथ इनफाइनाइट है और स्मॉलर डिस्टेंस दूर, ये ई है। क्लियर है? तो जहाँ जहाँ जरूरत है मैं ई लिखवाता जा रहा हूँ, इनके सारे प्रूफ प्लस टू में आने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू, ये देखो ये पॉइंट मास घूम रहे, इस पॉइंट मास पे ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2g लैम्डा बाय स्मॉल r, और पॉइंट मास है कितना, m। तो ये पॉइंट मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना, m इंटू ई। देखो जब बॉडीज हमारे हाथ में है ही नहीं, पॉइंट मास रही नहीं, हमारे पास फिर एक ही फॉर्मूला है f निकालने का, m इंटू ई। तो तुम यहाँ पर स्मॉल m को मल्टीप्लाई कर दो 2g लैम्डा बाय r से, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, ये फोर्स आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तुमने टाइम पीरियड निकालना है, ये जो फोर्स तुम निकालोगे m इंटू 2 इंटू g इंटू लैम्डा बाय r, इसको कर लेना m r ओमेगा का स्क्वायर, बेस्ट है, ये ज़्यादा आसान है। कैसे, यहाँ पे 2g लैम्डा बाय स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू ओमेगा का मतलब 2π/T का स्क्वायर। यहाँ से काम करो, 1r² प्रोपोर्शनल टू 1/T का स्क्वायर, क्योंकि सब कॉन्स्टेंट्स हैं, एक तरफ टी स्क्वायर आएगा, एक बार r² आएगा, यानी कि r² प्रोपोर्शनल टू t² मतलब t प्रोपोर्शनल टू r, ऑप्शन मार्क कर लेना, t प्रोपोर्शनल टू r का आंसर है इसका। पर ये तभी हो सकता है जब आपको e का फॉर्मूला पता हो, क्योंकि अगर आपको e का फॉर्मूला नहीं पता फिर ये हो नहीं पाएगा। तो आप नोट कर लें, कभी भी सिलेंड्रिकल गैलेक्सीज आ जाएँ तो उसमें e का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक? सही। तो इतनी फिगर्स के बाद मेरे को याद आया कि प्लस टू के अंदर एक और फिगर रह गई जो प्लस वन में हमने की नहीं, तो मैंने सोचा कहीं तुम्हारे बैच में यही क्वेश्चन ना आ जाए, अभी तक तो आया नहीं, नोट कर लो, डिस्क यही रह गई, एक डिस्क का भी नोट कर लो अगर आया नहीं है। अब मैं सोचा कि जब लिस्ट फॉर्मूला लिखवा ही रहा हूँ तो ये भी लिख लो। तो एक डिस्क है, इसको मत बनाना, इसको रहने देना, एक डिस्क है, एक डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है और डिस्क के एक्स डिस्टेंस के ऊपर आपको ई निकालना है, तो ये ई का फॉर्मूला है, डिस्क का मास एम है। डिस्क के एक्सिस के ऊपर ई का फॉर्मूला नोट करें। लंबी कहानी है, कहानी ऐसी है, पहले रिंग का निकालना पड़ेगा, रिंग का ई इंटीग्रेट करके डिस्क का निकलता है, पर आप सीधा फॉर्मूला नोट करें, ये प्लस टू के अंदर प्रूफ अपने आप ठीक हो जाएंगे, प्लस टू करने वाले हैं इसके प्रूफ, हम ये सारे प्रूफ आएंगे, तो आप सीधा फॉर्मूला लिखें, वो भी इमरजेंसी में, आज तक आया नहीं है पर पता कुछ नहीं है। और इस डिस्क का इसी पॉइंट पर V का फॉर्मूला भी नोट कर लें, V भी आ गया और E भी आ गया। तो एक डिस्क के केस में E और V का फॉर्मूला नोट कर लें प्लीज। हाँ, इनके फॉर्मूले में मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड केस है, कोई अगर डेंसिटी चेंज होगी तो नहीं चलेंगे, ठीक है। और वैसे भी यार डिस्क का मैसेज करवा भी नहीं पाऊंगा अभी, डिस्क की इंटीग्रेशन में ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज होती है, वो वहाँ से सॉल्व होनी है, इसलिए शायद किताबों के अंदर गिवन भी नहीं आई है सब्स्टिट्यूशन की वजह से, तो जिन्होंने कर रखी है सब्स्टिट्यूशन वही समझ पाएंगे इसके प्रूफ, अगर आपको ढूंढने हो तो। प्लस टू में ईजी है समझ में, प्लस टू में तो फ्लो चलता है ना, और गॉस थ्योरम और ऐसे बहुत थ्योरम्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं, इजी कर देती हैं चीज़ों को, काफ़ी इजी करती हैं। वो तो मैंने तो लिख लिया, मैंने कहा रिंग भी हो गया, डिस्क भी हो गया, रॉड वो भी हो गया, लाइन
गैलेक्सी वाला क्वेश्चन सारी फिगर्स ही कवर हो गई, अब मेरे को लगता नहीं है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आने वाला है। लिख लिया फॉर्मूला ई का और वी का। नेक्स्ट ये लो, हमने किया था वो कट करके रखने वाला क्वेश्चन। बड़ी जल्दी सेम है, नहीं सेम नहीं है ये। उसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें स्फीयर को काटा और फेंक दिया और यहां पे पॉइंट मास था, इसने काटा और रख दिया, अब कहते हैं फोर्स निकालो, बचे हुए पोर्शन और इसमें फोर्स निकालो। उसको कर सकते हैं जिसको काट के रखा वो स्फीयर है, वो m बाई एट का पॉइंट मास निकलेगा। टाइम हमने डिस्कस किया था एक स्फीयर है, स्फीयर में से इतने स्फीयर को काट के फेंक दिया, इस स्फीयर का रेडियस r बाई टू होगा क्योंकि r रेडियस का आधा r बाई टू है और r बाई टू है तो मैंने वॉल्यूम निकालना सिखा दिया था इसका, कि अगर इसका रेडियस r बाई टू है तो मैंने ऐसे सिखाया था कि अगर पूरा वॉल्यूम 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब है तो मास m है, 1 के लिए m डिवाइडेड बाई 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब है और जिस डिस्क को काट के फेंका उसका रेडियस r बाई टू है तो 4 बाई थ्री पाई इंटू आर बाई टू का होल क्यूब करके सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, m बाई एट आएगा। ठीक है, m बाई एट आएगा, मेरे को याद है पिछली क्लास में हमने जो किया था उसमें m बाई एट ही आता है। अच्छा, मेरे को ये भी याद है कि अगर एक स्फीयर का रेडियस r है और उसमें r बाई टू का रेडियस तुमने काट के फेंक दिया, मैं अपने क्वेश्चन में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूँगा, मेरे को याद है कि वो m बाई एट ही यूज़ करता है, हर चौथे क्वेश्चन में m बाई एट ही होता है, वैसे आपको ये भी बता दूं मैं। ठीक, तो तुम सॉल्व करोगे m बाई एट, तो मतलब अगर r में से r बाई टू का रेडियस काट के फेंकोगे स्फीयर में से तो m बाई एट है, तो इसको काट के यहाँ रख दिया, अब क्योंकि ये स्फीयर है तो इसका मास सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर सकते हैं, तो सोचो एक पॉइंट मास पड़ा हुआ है m बाई एट का, बचा हुआ स्फीयर इस पर क्या फोर्स लगाएगा, ये क्वेश्चन है। तुम बस मुझे ये बताओ कि ये पूरे का पूरा स्फीयर कंसिडर करते हैं पहले, कोई काटा पीटा नहीं है, कुछ नहीं है, सोचो यहाँ पर m बाई एट मास पड़ा हुआ है, पूरे का पूरा स्फीयर का मास कितना है m, और वो मास कहाँ पर एज्यूम करना है, इसके सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ पे है m। तो हम एक काम करते हैं, पूरे का पूरा जो मास है इसका वो एज्यूम करते हैं एट सेंटर ऑफ मास, कितना m, और इसका मास मुझे पता है m बाई एट है, इन दोनों सेंटर्स में दूरी कितनी है 3r, तो फोर मान लो पूरा स्फीयर में सब मास भरा हुआ है, ये इसे कितनी फोर्स लगाता है, जी एम एम बाई थ्री आर का स्क्वायर, पर ये फोर्स तो पूरे स्फीयर ने लगाई। अच्छा ये बताओ कि कटे हुए पोर्शन ने कितनी लगाई, कटे हुए पोर्शन का मास कितना है यहां पर m बाई एट, अब इन दोनों के सेंटर में डिस्टेंस कितना है क्योंकि रेडियस r बाई टू है, तो ये सेंटर्स की दूरी क्या बनेगी 3r माइनस r बाई टू, इनके बीच में नया डिस्टेंस क्या होगा 3r माइनस r बाई टू, सेंटर बाई सेंटर का डिस्टेंस लेना होता है, तो ये m बाई एट, ये जो m बाई एट है ये इस m बाई एट पे क्या फोर्स लगाएगा, g m बाई एट इंटू m बाई एट डिवाइडेड बाई 3r माइनस r बाई टू का होल स्क्वायर। तो पूरे स्फीयर ने इतनी फोर्स लगाई, कटे हुए स्फीयर ने इतनी फोर्स लगाई, तो बचे हुए ने कितनी लगाई, दोनों को क्या कर लेना है माइनस, माइनस करके ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या रहेगा इसमें,
पॉइंट देखो, करने तो आपको घर जाके पढ़ेंगे ही क्वेश्चन, आप ये मत सोचो कि आपके हो गए, आपके नहीं हुए वो तो मेरे हुए हैं, मेरे को आया ये करना, मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ, मेरे को आया है, ठीक है। यहाँ तक तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो पहले पूरे, हमेशा जब भी शेयर को काट के फेंकना है, पूरे शेयर का लो, इतने पोर्शन का लो, माइनस कर दो, बचे पोर्शन की फोर्स आ जाएगी, ठीक है यहाँ तक। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो ये तो बिल्कुल सेम ही मिलता जुलता है, ट्राई कर लो, डिस्टेंस बढ़े बदलेगा, लगाओ आंसर निकाल दो, आंसर निकाल दो, 2 मिनट का क्वेश्चन है, आंसर निकाल दो। तो अगेन इस पोर्शन को काट के फेंक दिया, यहां पे एक पॉइंट मास, तुम्हें फील्ड निकालना है, चलो फील्ड निकालना है तो यहां पर मास चाहिए, नहीं वन चाहिए, कैसे निकलेगा? पूरे स्फेयर का मास इमेजिन करो, सेंटर पे पड़ा हुआ है एम, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, ई का फॉर्मूला बोलो, जी एम बाय एक्स स्क्वायर, ई आ गया पूरे स्फेयर का। अब ये बताओ ये पोर्शन ने कितना ई लगाया था, तो तुम्हें ये पोर्शन का सेंटर लेना पड़ेगा, इसके सेंटर और इसमें दूरी कितनी है, ये एक्स है और ये कितने है, आर बाय टू है, तो कितना आएगा फॉर्मूला, जी इंटू ये कटे हुए स्फेयर का मास क्या में निकलेगा, एम बाय एट, वो तो स्टैंडर्ड याद ही है, एम बाय एट आर बाय टू का, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आर बाय टू का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने अब इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में ई निकालना है, तो पहले पूरे स्फेयर ने ई लगाया, उसमें से माइनस करेंगे इसने कितना ई लगाया, दोनों को माइनस करेंगे तो बचा हुआ ई जो लगाएगा उसका आंसर आ जाएगा जो हमें निकालना है। तो पहले स्फेयर का निकाल लें, फिर इस एट बाई एम बाई एट का निकाल लें ई, फिर माइनस कर देंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ है तो बना भी लो, अपने ऑप्शन देखो, ऑप्शन के डिनोमिनेटर में आर आई नहीं रहा और तुम्हारे डिनोमिनेटर में एक्स भी है और आर भी है, बोलो क्या करूं? इग्नोर करूंगा, बिल्कुल सही, जब मैं इन्हें माइनस करूंगा दोनों को, तो उसने बोला कि ये पॉइंट बहुत दूर है, फार, मतलब एक्स बहुत बड़ा है आर के मुकाबले, तो डिनोमिनेटर में आर बाई टू निगलेक्ट कर दो, अकेला एक्स रख लो, आंसर आएगा, आर बाई टू हटा देना यहां से, एक्स ग्रेटर देन आर बाई टू है, आर बाई टू हटा के ये आंसर आएगा, अब आंसर मैच करेगा, तो आंसर मैच नहीं करेगा, फंस जाओगे, जानबूझ के उसने दिया एक्स इज वेरी मच ग्रेटर देन आर। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आइडिया क्लियर है, ये लो 28। सिवाय इसके कि अजीबोगरीब मास को दे रहा है, जैसा मर्जी दे, एम वन एम टू मासेस हैं, अगर आपके मासेस एम वन एम टू हैं और वो डिस्टेंस आर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है और एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, तो ये आर बाई टू रेडियस में कभी नहीं घूमेंगे, क्योंकि एक मास बड़ा है एक मास छोटा है, तो इन ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। सबसे पहले क्या निकालना होगा? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? अगर मान लो एम वन का दूरी सेंटर ऑफ मास से एक्स है,
तो फिर एम टू की क्या हो जाएगी, आर माइनस एक्स, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू कर दें, एम वन इंटू एक्स इक्वल टू एम टू इंटू आर माइनस एक्स। तो ये स्टेप क्लियर है, एम वन को एक्स से मल्टीप्लाई, एम टू को आर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में एम वन की जगह पुट कर दें, क्वेश्चन में एफ एम गिवन है, एम टू की जगह पुट कर दें वन माइनस एफ इंटू एम गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तो आपके पास पहले तो एक्स आएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करके पहले एक्स आएगा, एक्स का मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला पॉइंट क्लियर है, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू करके क्या करना है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब ये बताएं कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो एफ लग रही है, एम टू लगा रहा है, एम वन ने एम टू को, एम टू ने एम वन को, ग्रेविटेशनल पुल तो लगाना ही है, कितना लगाना है एफ। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए एम वन इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, या ओमेगा वन स्क्वायर रादर, क्योंकि ओमेगा वन अलग है। और सेकेंड पार्टिकल के लिए एम टू इंटू इसका डिस्टेंस रेडियस कितना है आर माइनस एक्स इंटू ओमेगा टू स्क्वायर कर सकते हैं। एफ की वैल्यू दोनों पे सेम लगने वाली है, ग्रेविटेशनल पुल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये लो इन्हें शॉर्टकट इक्वेट कर दिया। ये स्टेप भी क्लियर है क्योंकि दोनों की फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की सेम है, इक्वेट किया। अब इक्वेट करके क्या किया, देखो ये जो एक्स निकाला यहां पुट कर दिया और यहां पुट कर दिया, एम वन और एम टू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, एम वन की वैल्यू कितनी है एफ एम, एम टू की वैल्यू कितनी है वन माइनस एफ इंटू एम, ऐसे। तो आगे फिर सिंप्लीफाई किया तो देखा ओमेगा वन ओमेगा टू के इक्वल आ गया, आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन का काम आपका है जो अपने घर पे करना है, जो भी है। मेन स्टेप समझ में आ रहा है, क्या है मेन स्टेप, क्या है तो पहला मेन स्टेप क्या है, सेंटर ऑफ मास निकालना ऐसे, दूसरा स्टेप क्या है, फोर्स सेंट्रीपिटल के इक्वल है तो दोनों की सेंट्रीपिटल को क्या कर देना, इक्वेट कर देना ऐसे, ये रहा। तो समझ में आ रहा है ये स्टेप कैसे करना है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसका, ठीक। तो यहां से आंसर आएगा इसका, ठीक है। बाकी देखो कुछ कुछ भी बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं थ्योरी की, ये तो कर ही लोगे यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ भी इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये देख लो 31। सही कैसे किया, वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के हिसाब से क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि दो स्फेरिकल बॉडीज हैं आर और टू आर, और इनिशियल सेपरेशन के में 12 आर है, इनके सेंटर के बीच में दूरी 12 आर है, इनको छोड़ दिया और इनके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा, इनकी टक्कर हो गई, इनकी जब टक्कर हुई तो छोटे मास ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्वेश्चन है। वो कह रहे थे छोटा मास है तो बड़ा डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, बड़ा ही करेगा ऑब्वियसली, तो इन्होंने वैसे ही ऑब्जेक्ट किया 7.5, ठीक किया, सही किया, गलत नहीं किया, अंदाजा मार दिया उन्होंने, तुक्का मार दिया। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं इसने एक्स वन किया तो इसने एक्स टू किया, अब करने दो, टक्कर हो गई, इनकी टक्कर मान लो यहाँ पर हो गई तो इस सरफेस सरफेस से टकराएगी, तो इसकी सरफेस ने कितना डिस्टेंस, या चलो सरफेस ने किया या सेंटर ऑफ मास ने की बात है, एक्स वन डिस्टेंस पे टक्कर हुई, एक्स वन किया और इसने एक्स टू किया, और टोटल डिस्टेंस 12 आर है, सेंटर सेंटर में 12 आर है, 12 आर में से आर गया, 12 आर में से 2 आर गया, तो इनकी सरफेस में डिस्टेंस क्या बचेगा 9 आर। अब क्योंकि टक्कर होनी तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंगली है, तो एम इंटू एक्स वन इज 5 एम इंटू एक्स टू,
तो रेशियो क्या बनेगी, एम इंटू एक्स वन इज इक्वल टू फाइव एम इंटू एक्स टू, ये कैपिटल एम है, एम से एम क्या हो जाएगा कैंसल, लो एक्स टू आ गया और एक्स वन प्लस एक्स टू किसके इक्वल है, नाइन आर, वहां से आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि क्या लॉजिक है, बेसिकली फिर आपने सेंटर ऑफ मास ही निकाला इसमें, ठीक। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसका, ठीक है यहां तक। सुन लो अब एक और चीज, अगर दो मासेज हैं इन्फिनिटी पे हैं, उनको उठा के मेरे को दो फिक्स पॉइंट पे लेके आना है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक काम करते हैं, एक टास्क देते हैं, मैं बोलता हूँ एक सॉलिड स्फीयर बनाना है, वो बनाना क्या होता है, मैंने कहा जी इतने टुकड़े कर दूंगा, एन टुकड़े हैं वो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं, तुम एम वन लेके आओ, एम टू लेके आओ, एम थ्री लेके आओ, सबके वर्क डन कैलकुलेट करते जाओ और मैं एक स्फीयर में जोड़ दूंगा, डाल दूंगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फीयर। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फीयर, और इस एनर्जी को जब बॉडी, एक रिजिड बॉडी की एनर्जी निकलती है उसको सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि तुमने सॉलिड स्फीयर के पार्टिकल्स को इन्फिनिटी से लेके आए, एक एक करके ले आए, डीएम 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 मास लेके आए और तुमने स्फीयर बनाया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी है। हम इसे प्लस टू के अंदर इसके टॉपिक की इंटीग्रेशन किया करते हैं, रादर प्लस टू का भी एडवांस लेवल का टॉपिक है, मेन भी कम आता है। तो ये फॉर्मूला है सॉलिड स्फीयर की, सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें, नोट करें, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ये रही, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, माइनस थ्री बाय फाइव जी एम स्क्वायर बाय आर, माइनस थ्री बाय फाइव जी एम स्क्वायर बाय आर। तो मैंने कहा लगे हाथों पता लगे तुम्हारे, जब तुम पेपर में बैठो वहां शेल आ जाए तो ये तो सॉलिड स्फीयर है, तो फिर मैंने नेट से शेल के भी ढूंढ ली, माइनस जी एम स्क्वायर बाय टू आर, आया नहीं है पर मैंने कहा चलो जो कर ही रहे हैं तो ये भी लिख ही लो, 2R, ठीक है। तो मैंने शेल और स्फीयर दोनों की लिखवा दी। तो अगर मुझे सॉलिड स्फीयर बनाना है और मैं मास को धीरे धीरे ले आऊं और वर्क डन कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। और सोचो अगर उल्टा टास्क दूं, मैं कह रहा हूं स्फीयर को तोड़ दो एन नंबर ऑफ टुकड़ों में, अब वापस इंफिनिटी पे रखा हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, माइनस कीजिएगा प्लस, वही तो वो कह रहा है, मैं पूरी अर्थ को तोड़ के कहां पे रखना चाहता हूं, इन्फिनिटी पे, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 3/5 के हिसाब से, बस कह रहे हैं जी मुझे तो एक्स ही बता दो कितना है, 3। ये होगा कैसे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखो लंबी स्टोरी है, आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे आधा पौना घंटा, बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है यहां दिक्कत आएगी, तुम देखो इसमें क्या दिक्कत आएगी यार, वो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पुल बताओ जी क्या होगा, कुछ भी नहीं, जी का फॉर्मूला यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। आप एक पेंडुलम को कितनी हाइट पर ले गए, आर हाइट पे ले गए सरफेस से, और एक को 2R पे ले गए, चेंज क्या हो रहा है, जी जी नहीं पेंडुलम तो उतना ही है, 1 मीटर, उसको यहाँ रख लिया फिर स्पेस में डाल के ऊपर ले गए स्पेसशिप में ऐसे, ठीक है, तो एल नहीं चेंज हो रहा, सही है। मैंने सोच तो टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी, तो जी का फॉर्मूला हाइट के साथ क्लियर है, तो एक बार हाइट को आर पुट करेंगे जी निकालेंगे, एक बार हाइट को 2R पुट करेंगे जी निकालेंगे, इस जी को यहां पुट करेंगे तो T1 आएगा, मीन पहले जी को पुट करेंगे T1 आएगा, दूसरे जी को पुट करेंगे T2 आएगा, दोनों को डिवाइड करके T1 T2 का रिलेशन आएगा, मेथड फॉर्म में आ रहा है। हाइट के साथ जी ऐसे चेंज होती है, फॉर्मूला क्लियर है। इस फॉर्मूले में अब क्या करेंगे, या दूसरा फॉर्मूला लगा लें, स्मॉल जी आर स्क्वायर लगा लें, एक ही बात है, जी ऐसे चेंज होता है, तुम्हारे पास दो केस बनेंगे, एक जब तुम जी वन लोगे टाइम पीरियड T1 हो जाएगा, जी वन में क्या पुट करोगे, एच की जगह आर, फिर तुम क्या लोगे हाइट 2R, तो एच की जगह क्या पुट करोगे 2R, तो G2 आएगा, G2 आएगा तो T2 आएगा, फिर T1/T2 इज इक्वल टू √G2/G1, G1 G2 पुट कर देना, T1 T2 का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या ये हिंट समझ में आ रहा है कैसे करना है, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेंडुलम को जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाओगे तो जी चेंज होगा, और जी कैसे चेंज होता है हाइट के साथ वो सबको मालूम है, शॉर्टकट मत लगाना क्योंकि आपकी हाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप दो पोजीशन पे जी निकालना, दो पोजीशन पे टी निकालना, दोनों को डिवाइड करना, आंसर आएगा। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है, ठीक, मेथड में कोई डाउट, ये नहीं देखना, मेथड क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है, खुद ही करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ना ये क्वेश्चन कितने आसान है, वो अर्थ जो है डेप्थ पे गए तो क्या फॉर्मूला है, लो बताओ इसको तो क्या ही सॉल्व करेंगे, फिर वो कह रहा है डेप्थ पे गए क्या फॉर्मूला है, ये आसान क्वेश्चन है, ये देखो तो दो बार आया हुआ है, का फॉर्मूला लगाओ, एक डेप्थ का लगाओ, दोनों को इक्वेट कर दो, वो यही तो कह रहे हैं कि जी की वैल्यू ऊपर और नीचे हाइट पे और डेप्थ पे बराबर है, इक्वेट कर दो, आंसर निकाल लो, लो। हाइट का बड़े वाला फॉर्मूला लगा ना, छोटा मत लगाना, 200-400 मतलब 100-200 किलोमीटर पे ऐसा होता नहीं है, बड़ा लगाना फॉर्मूला, अब आएगा, इसमें टाइम थोड़ा लगेगा तुम्हें, ट्राई कर लो। और एक एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, इस वहम में मत रहना कि तुम ये किताब किए बिना पेपर में चले जाओ और तुम्हारा पेपर क्लियर होगा, नहीं होता, जब तक तुम किसी भी एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर नहीं करके जाओगे तुम्हारा पेपर क्लियर हो ही नहीं सकता, पक्की बात है, मैं अटकते रहोगे उसमें, प्रीवियस ईयर आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि पेपर का लेवल क्या बनता है, और ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम फिजिक्स में तो ज़रूरी है। तुम NCERT का पेपर देना चाहते हो, तुम पुराने पेपर ज़रूर करके जाओ, बोर्ड का पेपर देना चाहते हो, बोर्ड के कम से कम 5 साल के पेपर पक्का करके जाओ, तुम अगर JEE Mains देना चाहते हो, JEE Mains के तो 23 साल, 5 तो छोड़ो, हम तो 23-23 साल के करके जाएंगे, अब जो 23 साल का पेपर सॉल्व कर पा रहा है घर में बैठ के, यार 24वां साल कुछ तो कर ही आएगा। तुम एडवांस देना चाहते हो, एडवांस के पूरे जितने भी पेपर हैं, बुक्स आती हैं मार्केट में, वो पूरी की पूरी चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि तुम जब एडवांस का पेपर सॉल्व करते हो तुम्हें फिर आइडिया हो जाता है कि वो लेवल क्या रखता है हर चीज़ का, तो पूरा पैटर्न निकलता है उसमें से, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसलिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, और तुमसे घर पे नहीं हो रही, तुमसे वहाँ भी नहीं होगी, ये भी बता दूँ। और बहुत लोग बोलते हैं मुश्किल लगती है, कई बार होती नहीं, भाई तुमसे हो ही जाती तो तुम यहाँ थोड़ा बैठे होते, तुम तो कोई कॉलेज के वहाँ हॉस्टल बुक करवा रहे होते कि हम तो आ ही रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कभी होता है, चैलेंज है, कोई स्टूडेंट चैलेंज को ठीक तरह काम कर लेता है और कोई छोड़ देता है, इसकी विल पावर है, वो कहता करनी करनी है कैसे भी करनी है, कोई कहता छोड़ो, भाई इतना ही फर्क होता है, तो छोड़ो नहीं, एक एक क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, सोचो, टाइम लगता है, लगने दो,
और प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। तो इसमें एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ अ बॉडी विल हैव सेम वेट, भाई सेम वेट का मतलब जी की वैल्यू सेम, हाइट के ऊपर जी क्या होता है ये होता है, डेप्थ के ऊपर क्या होता है ये होता है, दोनों को क्या कर दें इक्वेट। मैथ अपना अपना, मैं इसके बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा, एम से मल्टीप्लाई कर दिया इसने क्योंकि वेट बराबर करना है, एम जी एम जी वैसे भी कैंसिल है, इसके बाद का काम तुम अपने आराम से बैठ के घर पे करना, और यहाँ से बस मेरे को तो तुम क्या निकाल देना एच निकाल देना, मतलब इसके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी, तुम अपने आप ही करना, इसको न्यूमिनेटर में ले जाना सॉल्व करना, एंड में क्वाड्रेटिक बनने वाली है एच की, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर आने वाला है, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, फॉर्मूला इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं करना, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपने होमवर्क करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ करना नहीं है इसमें भी, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये देखो जी के इतने मतलब एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बता भी नहीं सकता, आप देखो तो यार ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है, ये फॉर्मूला पूछ रहा है और तो छोड़ ही दो, जी इंटू वन में टू एच बाई आर, ये भी आसान क्वेश्चन है यार, फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं इसमें अंदर, स्टेटमेंट्स इक्वेटर के ऊपर क्वेश्चन क्या होंगे, वैल्यूज क्या होंगी सेम, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है बीच बीच में। ये लो पेन भी हाथ में लगाना है, इसका आंसर है, अब बोलो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस लॉजिक लगाना है, थ्योरी का ही लॉजिक है कि ऐसा होगा तो ये आंसर बनता है बस। अच्छा आप बस मुझे ये बता दो, मैं एक स्पेसशिप को अर्थ से मार्स पे भेजना चाहता हूँ, जब मैं ऊपर जा रहा हूँगा तो मेरा वेट क्या होगा, घटेगा, कम होगा, कम होगा, ग्रेविटेशनल पुल मेरा और कम होगा और कम होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं फंस जाऊंगा, इधर से अर्थ खींच रही है इधर से मार्स खींच रहा है, तो मेरा नेट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं अर्थ के मार्स के अफेक्ट में आ जाऊंगा और मेरा वेट फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा मैं मार्स की तरफ जाता जा रहा हूँ। एक ही ऑप्शन है सी, सी ही जीरो वेट कर रहा है, देखो फोर्स की वैल्यू क्या कर पा रहा है, जीरो, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है, नहीं वेट नेगेटिव के मतलब नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, तो कुछ करना नहीं है, सीधा ही आंसर है, ये आसान है, आसान है। ये लो
देखो जब एक स्पेसशिप चलेगी दो प्लैनेट से, मान लो छोटे प्लैनेट से बड़े प्लैनेट तक गई, अब क्या होगा? आप ये चाहते हो कि वो बड़े प्लैनेट पे पहुंच जाए, आपको वहाँ पहुँचाने की वेलोसिटी नहीं चाहिए, आप सिर्फ वो पॉइंट ढूंढो जहाँ अर्थ अपना अफेक्ट कम कर लेती है, जीरो कर लेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा अर्थ और इस प्लैनेट का या इस दोनों प्लैनेट्स का जहाँ नेट फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। उस बाउंड्री पे जाके छोड़ दो, अपने आप ही दूसरा प्लैनेट खींच लेगा। तो तुम्हें वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ई नेट क्या है? जीरो। अब क्वेश्चन सॉल्व फॉल्व होगा। तो मान लो पी वो पॉइंट है जहाँ पर नेट ई जीरो, तो ये प्लैनेट एम जो है वो यहाँ पर ई क्या लगाएगा? जी एम बाई एक्स स्क्वायर। और ये बड़ा प्लानिट क्या लगाएगा? 9m वाला, इसका डिस्टेंस कितना है? 8r-x। तो g इंटू 9m बाई 8r-x का होल स्क्वायर, पहले तुम x निकाल लो, 2r। तो वो पॉइंट तक छोड़ के आना है जहां पर नेट फील्ड क्या है? जीरो। लॉजिक क्लियर है? उसके बाद वो प्लानिट अपने आप खींच लेगा, बस यहीं तक छोड़ के आना है। राइट, क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। ये स्पेसशिप कहां से चलेगा? सरफेस से। इसको कहां तक छोड़ना है? यहां तक, यहां तक छोड़ना है। और ये डिस्टेंस कितना है? 2r। लगाए एनर्जी कंजर्वेशन। तो सरफेस के ऊपर एक मैं लगाऊंगा, सरफेस के ऊपर एक मैं लगाऊंगा, पी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इक्वेट करेंगे। करें स्टार्ट। जब इसको सरफेस से लॉन्च किया था, बोलो काइनेटिक कितनी है? हाफ, छोटा है एम इंटू वी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? सही है। पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट मास एम है और ये प्लैनेट कैपिटल एम है। पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी बड़ा मास छोटा मास बाय रेडियस क्या है इसका? नहीं नहीं सरफेस की, हाँ इसका रेडियस कितना है? तो सरफेस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, अभी तो सरफेस के ऊपर है ये पॉइंट। सरफेस के ऊपर क्या आएगा? सिर्फ आर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? प्लस प्लस अभी रुको, 9m भी अपनी एनर्जी लगाएगा यहां पर, इसको मत भूलो, सिस्टम की एनर्जी है। तो माइनस जी छोटा मास इंटू 9m डिवाइडेड बाय, अब इसका यहां से डिस्टेंस कितना है? टोटल 8r है, 8r में से r गया तो 7r, 7r। क्लियर है यहां तक? तो कैपिटल एम और स्मॉल एम की होगी, 9m और एम की भी हो गई। अब राइट साइड, राइट साइड पे हमने बस यहां तक छोड़ना है, तो हमारी तरफ से यहां पे वेलोसिटी चेक क्या हो जाए? जीरो। तो काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल बोलो। अब पोटेंशियल में पहला प्लैनेट जी एम एम बाय यहां से यहां की दूरी कितनी है? 2r। 2r आर कैसे? 2r हुआ सेंटर से। हम तो जब ये यहां पे है, यहां से यहां का हम डिस्टेंस निकाल चुके ना 2r, यही तो 2r है, तो 2r यूज करेंगे ना हम, तो डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं। फिर दूसरा लो माइनस जी 9m इंटू एम डिवाइडेड बाय कितना? 6r। टोटल 8r है, 8r में से ये 2r गया तो बचा कितना? 6r। यहां से इक्वेट करके v निकाल लेना आंसर है। आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक, पॉइंट क्लियर है? नहीं, सेंटर पे कहाँ? सेंटर पे क्या? सेंटर पे रखा ही नहीं कुछ भी, सरफेस से स्टार्ट किया। वो तो लॉ है ना यार, ग्रेविटेशन का लॉ स्फेयर्स के लिए, सेंटर सेंटर ऑफ मास पे इमेजिन करेंगे ना। वो तो अगर डेंसिटी देनी ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो सारे स्फेयर्स का मास सेंटर पे ही है, वो तो पक्का क्वेश्चन सेंटर से होना है। क्लियर है यहाँ तक? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है, तो इसको ट्राई करना है आपने। ये लो, मतलब जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन इससे ईजी हैं, चिंता ना करो, तुम खुद करोगे इससे नीचे निकलेंगे।
नहीं नहीं है, वो कह रहे जी ए और सी के ऊपर जी बराबर है, तो एक में हाइट का फॉर्मूला, लेकिन हाइट छोटी नहीं है बड़ी है, तो बड़े वाला फॉर्मूला और एक बार डेप्थ वाला फॉर्मूला तो लगा दो। तो ये मैंने लगा दिया डेप्थ का फॉर्मूला, और मैंने मान लिया डिस्टेंस कितना है डी, तो एक बार डेप्थ का फॉर्मूला एक बार हाइट का फॉर्मूला, और ये हाइट है कितनी 3200, क्या होती है आर बाई टू, 6400 किलोमीटर है आर, तो 3200 क्या बनेगा आर बाई टू, तो यहाँ पे आर बाई टू दोनों को इक्वेट करके क्या आ गया डी की वैल्यू आ जाएगी, डी 5/9 आर आएगा। भाई तुम्हारे पास अगर डी आ गया फिर तो आर वैसे माइनस करके ये भी आ गया, फिर 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 जिसकी रेशियो पूछे निकालते रहना, मेन बात सिर्फ डी निकालने की बात है। आइडिया समझ में आ रहा है कि डी कैसे निकलेगा, दोनों की वैल्यू को इक्वेट करके डी आ जाएगा, उसके बाद जो निकालना है आराम से बैठ के निकाल लेना। मालूम नहीं है डी है, दो प्लैनेट्स हैं ए एंड बी, दो प्लैनेट्स हैं ए। देखो कैपलर लॉ से डर के रहना है, ये मरवाएगा मैं बता रहा हूँ कैपलर, क्योंकि कैपलर लॉ वाला आंसर तो कभी निकलता ही नहीं, मैंने हिसाब लगा लिया। तो इसके अंदर दो प्लैनेट्स हैं रेडियस आर वन आर टू पे घूम रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, तो एक एंगुलर मोमेंटम अगर एल है तो दूसरा कितना है 3 एल है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड निकालना है। ओके बी का 3 टाइम्स है, ओके बी इज 3 एल, तो ए की इक्वेशन तो यही लगेगी एल ऑफ बी इज 3 इंटू एल ऑफ ए। एंगुलर मोमेंटम घूमते हुए प्लैनेट का क्या होता है एम वी आर डिस्कस किया था, तो इसके लिए ए बॉडी के लिए एम वन बी वन आर वन और बी बॉडी के लिए एम टू बी टू आर टू, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम गिवन था हमने पुट कर दिया, तो एंगुलर मोमेंटम 3 टाइम्स है, हमने यहाँ पर 3 टाइम्स पुट कर दिया, ये रहा। नेक्स्ट है इसको छोड़ो, जब एक प्लैनेट घूमता है अपने ऑर्बिट में तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है ऑर्बिटल जी एम बाई स्मॉल आर, तो ऑर्बिटल क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर, ठीक। मुझे निकालना क्या है, देखो मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, लगेगा तो कैपलर लॉ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तो लग रही है। प्रॉब्लम यह है जब मैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लगाता हूं तो मेरे को यह आंसर मिलता है, मतलब मेरे को ये तो पता है कि टी ए बाई टी बी, टी ए बाई टी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू का होल क्यूब है, पर मेरे को क्या ढूंढना है आर वन आर टू की रेशियो ढूंढनी है और कैसे इन टर्म्स ऑफ मास, क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मास के बना है। मैं ढूंढ सकता हूँ, मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ, मैं यहाँ से कैसे ढूंढूंगा, इसमें एक काम करते हैं आर वन बाई आर टू की रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या आएगी एम टू वी टू डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स एम वन वी वन, क्लियर है यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर है, एक काम करते हैं एम टू इन टू यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1 बाई अंडर रूट ऑफ आर टू और 3 टाइम्स एम वन इन टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ आर वन, तो मेरे पास R1 बाई R2 की वैल्यू क्या आ जाती है M2
थ्री टाइम्स एम वन अंडर रूट ऑफ आर वन बाय आर टू, ठीक। ठीक है, फिर से एक बार, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार मैं, कोई बात दोबारा, तो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया होगा, कोई दोबारा कोई और मेथड लगा लेंगे। तो बस मुझे ये बताओ कि ये समझ में आ रहा है, कैपिटल लॉ। अब ये बताओ कि अगर ये समझ में आ रहा है तो मेरे को इसकी रेशियो निकालनी है, ठीक। एक काम करो, थ्री एम वन वी वन आर वन इज एम टू इंटू वी टू आर टू है, ऐसा कर देते हैं, वी वन की जगह वन बाय रूट आर वन पुट कर दें, प्रोपोर्शनल है ना वो, कुछ कॉन्स्टेंट के लगा लो, कोई बात नहीं। चलो ये पूरा का पूरा पुट कर दें, रूट जी एम बाय आर पुट कर दें, रूट जी एम बाय आर वन पुट कर दें, एक जी एम जी एम कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम टू इन टू आर टू पुट कर दें, स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग करके आर वन और आर टू वाली टर्म को एक तरफ रख लें, क्योंकि ये कट कटा के रूट आर वन आएगा, ये काटने के बाद रूट आर टू आएगा, आर वन बाई आर टू की रेशियो आ जाएगी, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं करना यहीं से है जो करना है, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। तो बेसिकली एक तो ये फॉर्मूला यूज़ किया, और एक जहाँ जहाँ वेलोसिटी है उसको एलिमिनेट करने के लिए वन बाई अंडर रूट ऑफ आर के साथ एलिमिनेशन की। कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है, लगेगा कैपिटल लॉ। तो ये आपने ट्राई करना है, ये लो। ये क्वेश्चन है, दो सैटेलाइट्स हैं, कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, टाइम पीरियड भी गिवन है, एक का टाइम पीरियड कितना है वन आवर है और दूसरे का कितना है एट आवर्स है। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ नियर सैटेलाइट मुझे गिवन है, तो दूसरी सैटेलाइट का मुझे रेडियस गिवन नहीं है, पर मैं चाहता हूँ निकालना, तो मैं क्या लगाऊँ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब केपलर लॉ। तो फर्स्ट प्लैनेट के लिए टी वन स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर वन क्यूब, दूसरे के लिए टी टू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर टू क्यूब, दोनों को डिवाइड करके आर टू आ जाएगा। जानबूझ के एक रेडियस दिया है और दूसरा रेडियस नहीं दिया, ताकि तुम खुद निकाल सको बाय यूजिंग कैपलर्स लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा ऑफ द फार्दर सेटेलाइट, जो पीछे चल रही है सेटेलाइट, दूर चल रही है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द नियरर सेटेलाइट, मतलब कि सेंटर पे खड़े होके नहीं, पास वाली सैटेलाइट के ऊपर खड़े हो जाओ और बताओ दूर वाली सैटेलाइट का ओमेगा कितना है। तो पास वाली तो रेस्ट पे माननी पड़ेगी, तो इसका ओमेगा क्या है ये बताना है, ठीक। ये क्वेश्चन है, तो रूल नंबर वन, ये सिचुएशन ऐसी है, ये सैटेलाइट्स ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज विद ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। ओमेगा वन ओमेगा टू तुम्हें गिवन है, क्योंकि टाइम पीरियड गिवन है, टू पाई बाई टी वन टू पाई बाई टी टू से ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आ जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। फिर आर तुम्हें गिवन नहीं, दूसरा रेडियस तो निकाल लो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से आर टू भी आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आर टू की वैल्यू आ गई, अब ओमेगा निकालना था, देखो ओमेगा कैसे निकाला, आप कहाँ पर खड़े हैं, आप इसके ऊपर खड़े हैं, उसने कहा जी मेरे को इसका ओमेगा बताओ, जब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इस पर सेंट्रिपेटल फोर्स ज़्यादा है, जो दूर वाला है वो स्लो चलता है हमेशा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इस क्या करेंगे v1 में से v2 माइनस, क्योंकि ऐसा करने से एक बॉडी आप जहाँ पर खड़े हुए हैं वो रेस्ट पे मान ली जाएगी, डिवाइडेड बाई, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये आर टू है ये आर वन है, तो आर टू माइनस आर वन, आपका न्यूमेरिकल बस इतना ही रह गया, आपका न्यूमेरिकल बस इतना ही है, जिसमें आपने क्या करना है v1 माइनस v2 को r2 माइनस r1 से डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आएगा,
ओमेगा की वैल्यू आएगी और ओमेगा की वैल्यू निकाल लेना। लेकिन आपको वी वन वी टू चाहिए, वी वन आर ओमेगा, वी टू आर टू ओमेगा, यहाँ से वैल्यू पुट करके रिलेटिव ओमेगा की वैल्यू आएगी। इकलौता एक क्वेश्चन अलग आया हुआ है, वैसे नॉर्मल आए हुए हैं आपके सामने, पर कैसे सॉल्व करना है क्लियर है? हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वी इक्वल टू आर ओमेगा, जैसे सर्कुलर मोशन के रिजल्ट्स हैं जैसे मर्जी लगा लो। हाँ कर सकते हैं, आर की इन्वॉल्वमेंट कम रखो ना, वो टू पाई बाय आर डिवीजन में हो जाएगा, फ़ायदा क्या, कर लो, करके देख लो, आने चाहिए। पर एक प्रॉब्लम है, टाइम पीरियड जो है वो कैपलर लॉ फॉलो करता है, वो तो लगा नहीं, ये तो सिंपल लग गया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तो लगाना पड़ेगा फिर भी। अच्छा वो तो लगाया ही है तुमने, दो प्लैनेट अलग अलग डिस्टेंस पे, एस्ट्रोनॉट टेक्स अ बॉल ऑफ मास एम। देखो आप एक्सपेक्टेशन देखो क्वेश्चन पूछने वाले की क्या है, दिखाता हूँ अभी। वो कह रहे जी एक ना बॉल को मैं ले गया स्पेस में, फिर वो बॉल को सर्कुलर ऑर्बिट में डाल देता है स्पेस में जाके इतनी हाइट पर, तो बॉल सर्कल में घूम रही है इस हाइट पर, ठीक है। फ्रॉम अर्थ सर्फेस टू दी ऑर्बिट मकैनिकल एनर्जी का चेंज कितना है ये बताओ। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यानी कि टोटल एनर्जी होती है। कुछ नहीं किया उसने, बॉल को सरफेस से उठाया और ऑर्बिट में ले गया। जब सरफेस पे थी बॉल तो टोटल एनर्जी क्या थी, सिर्फ काइनेटिक तो थी नहीं, पोटेंशियल थी, माइनस जी एम एम बाय आर, बात खत्म। फिर वो ऑर्बिट में चला गया। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या होती है, हमने डेरिवेशन की थी, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसका ये फॉर्मूला था एच हाइट पर, माइनस जी एम एम बाय टू इंटू आर प्लस एच। एच को क्या पुट करेंगे, 31 318.5। अब देखो वो क्या कहता है, ये हाइट है ये रेडियस है, तुम इन नंबर्स को ध्यान से देखो, ये नंबर ना अप्रोक्सीमेटली आर बाय 20 है, आधा आधा देखो, आधा दिख रहा है, पूरी आधी वैल्यू ले रखी है, रेडियस का आधा ले रखा है, ये देखो रेडियस की वैल्यू कितनी है ये दे। और ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली आधा लिया हुआ है, तो कह रहे जी r बाई टू ले लो। अब अगर तुमने r बाई टू का 10 लगा के वो पॉइंट डेसिमल एडजस्ट करना है, r बाई 20 ले लो। अब तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये टोटल एनर्जी है सेटेलाइट के ऊपर स्पेस में ऑर्बिट में जाके और ये ग्राउंड पे जाके, दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लेना। यहाँ तक तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन और तुम कर ही जाओ यार, इसमें ही फंसने वाले हो। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये लो, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो। ई वेक्टर कांस्टेंट तुम्हें गिवन है, ई वेक्टर गिवन है, पोटेंशियल ओरिजिन पे जीरो है, ठीक है जीरो है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट 12 मीटर और 0.5 मीटर पे पोटेंशियल की रेशियो निकालो। करेंगे क्या, हाँ 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप, करेंगे क्या, आगे क्या करेंगे, v कैसे निकालेंगे, e इज माइनस dv बाय dr, ओके। तो ये ना थोड़ा प्लस टू का कॉन्सेप्ट है, प्लस टू में नॉर्मल सीबीएसई के अंदर चलता है ये, पर मैं आपको बता देता हूँ कि करते क्या हैं।
इस टाइप की प्रॉब्लम में फॉर्मूला वही है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई टी आर। नहीं नहीं कुछ नहीं, यहाँ तक क्लियर है, E कॉन्स्टेंट है। अब डी वी क्या है, माइनस ई डी आर, ये क्लियर है। डी वी क्या है, E इज अ वेक्टर, डी आर इज अ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट आएगा क्योंकि डी वी इज अ स्केलर। तो ये फॉर्मूला प्लस टू में करवाया जाता है, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, नोट कर सकते हैं इसे। तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, पर अगर तुम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो तुम्हें दोनों तरफ की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन आर वन से लेके आर टू तक, वी वन से लेके वी टू तक। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आंसर आएगा। ये आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, पर उसने क्या बोला, एक पॉइंट ओरिजिन का पोटेंशियल तो जीरो है, एक पॉइंट का पोटेंशियल ही जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो माइनस ई वेक्टर तो देखो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन करके मेरे पास कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट तो जीरो पोटेंशियल पे है, तो वी वन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो आर वन की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन बन गई, पोटेंशियल वी इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर विद नेगेटिव साइन, ये पोटेंशियल है, क्योंकि तुमने वी टू और आर टू तो हटा ही दिया ना। तो तुमने सिंपल क्या किया, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू पहला पॉइंट वो रहा, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू दूसरा पॉइंट ये रहा। तो ओरिजिन को तो आपने यहां पर जीरो कर ही दिया, तो यहां से एक आर को भी उड़ा दिया आपने। अब आपने क्वेश्चन दो बार करना है, एक बार आर की वैल्यू 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप पुट करके, और एक बार 0 आई कैप प्लस 5 जे कैप पुट करके। मैं करके दिखाता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्टकट जो तुम्हारे काम की चीज है सिर्फ एक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछ ले वो, फिर तो लगा देना ये वाला फॉर्मूला बस। और अगर पोटेंशियल पूछ ले तो लगा देना ये वाला फॉर्मूला बस, तुम्हारे काम के दो ही चीजें हैं बस, बाकी तो प्लस टू में करते रहना जो करना है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के फॉर्मूले को बॉक्स में डालने। अब क्योंकि तुमसे क्या पूछा, पोटेंशियल, तुमसे पोटेंशियल पूछा, तुम्हारे पास ई वेक्टर तो है ही, देखो शॉर्टकट लगा रहे, ई वेक्टर डॉट आर वन वेक्टर पोटेंशियल आ गया, वी वन सीधा, और आर वन वेक्टर तो पता ही तुम्हें 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप है, ऐसे ही वी टू इज माइनस ई वेक्टर डॉट आर टू वेक्टर, ये बना शॉर्टकट आंसर आ गया। अब ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि प्लस टू नहीं की, तो इस वजह से प्लस टू करने के बाद चीज़ें पूछेंगे भी नहीं आप। तो मेरे कहने का मतलब आज ये डाउट आ सकता तो मैंने बता दिया इसको कैसे करना है।